क्वेश्चन है, एक ए वायर कैरिंग एक करंट 8 एम्पीयर हैज द शेप शोन इन द फिगर, द रेडियस आर ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द वायर इज 100 mm. यह आर जो दे रखी है 100 मिलीमीटर की दे रखी है. द लीनियर पार्ट ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ ड्यू टू पार्ट ए बी ऑफ द वायर इज, ए बी पार्ट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन ओ पे हमारे पास क्या होगा ये हमें बताना है. तो ये हमारे पास क्या है, एक वायर है और इसकी वजह से जो हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के कप. इसकी वजह से हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के कप. और ये हमारे पास क्या आ रही है, एक फोर. तो हमारे पास जो बी, हमारे पास ए बी पोर्शन की वजह से क्या हो जाएगी, ए बी की वजह से सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 पाई. जो हमारे पास जो डी दे रखा है, डी इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगी डायरेक्शन इसकी करें तो ये क्या आ जाएगी, माइनस के कैप. क्योंकि एक वायर की वजह से हमारे पास क्या होता है, म्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के कैप. डायरेक्शन अगर आंसर में पूछी गई है तो क्या आ जाएगी, माइनस के कैप. अगर फिर हमारे पास पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ ड्यू टू वायर डी, इस डी वायर की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, डी वायर की वजह से भी ये क्या है, ये दोनों ए बी और डी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है और इक्वल है. तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी और ये भी क्या आ जाएगी, माइनस के का. ओके, इन दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम ही आएगी. अब थर्ड हमारे पास पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ वायर, सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से बताना है. तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप. ये क्या आएगी हमारे पास, माइनस आई कैप. क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, माइनस आई कैप हमारे पास आएगी. तो हमारे पास ये माइनस आई कैप. तो हमारे पास सेमी सर्कुलर यानी कि बी डी, सेमी सर्कुलर बी सी डी, इसकी वजह से हमारे पास जो आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यू नोट आई डिवाइड बाई में 4 पाई आर इंटू में क्या होता है फाइव, यानी कि थीटा हमारे पास क्या बन रही है पाई का. तो पाई पाई से पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 आर और ये हमारे पास क्या रहा है, माइनस आई कैप. अब हमें इसने पूछा है कि द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ इज, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है एट ओ पे हमारे पास क्या होगा. तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये दोनों क्या है, ये अगर ए बी और डी ई देखें, इसको हम दे देते हैं 1, ये 2 और 3. तो इसको ये 1, 2 और ये क्या आ गया हमारे पास 3. तो 1 एंड B1 एंड B3 हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है. B1 एंड B3 हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो हमारे पास जो बी नेट है वो क्या आ जाएगा, बी नेट हमें करना है B1 प्लस B2 और प्लस B3. ये क्या है हमारे पास B3, ये माइनस के कैप है और ये भी क्या है, माइनस के कैप और ये क्या है, माइनस आई कैप. तो हमारे पास जो बी नेट है वो क्या आ जाएगा, 2B1, इसको हम B1 लिख सकते हैं, माइनस के कैप प्लस B2 माइनस आई कैप. यह आ जाएगा हमारे पास 2B1 प्लस यानी कि 2 न्यू नोट डिवाइड बाय न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर और B2 हमारे पास क्या है, माइनस ये क्या जाएगा प्लस इनटू में माइनस के कैप और प्लस B2 हमारे पास क्या आया था, सेमी सर्कल की वजह से क्या आ रहा है हमारे पास, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 आर ये माइनस के आई कैप. यह आ जाएगा हमारे पास न्यू नॉट आई डिवाइडमेंट में 4 पर माइनस है आर कैप. रिजल्टेंट हम इन दोनों का लेंगे तो हमारे पास क्या, एक इधर है और एक इधर, एंगल क्या बना है हमारे पास 90 डिग्री. रिजल्टेंट क्या बीचों बीच आएगा, यानी किसी एक को रूट टू से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम इसमें क्या कर देंगे, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास इसको जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी नेट जो आएगा, मैं यहाँ कर दूँ, जो बी नेट आएगा उसको क्या कर देंगे हम, रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. रिजल्टेंट में रिजल्टेंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई रूट टू, बिकॉज हमारे पास एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच 90 डिग्री. एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री. तो बी नेट जो आएगा हमारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों को रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर 4 प्लस पाई स्क्वेयर. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस पाई स्क्वेयर इसका अंडर रूट. तो हमारे पास बी नेट आ जाएगा न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4 पाई आर 4 प्लस पाई स्क्वेयर. ये हमारे पास क्या गया आंसर, क्योंकि किसी एक को रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या गया नेट रिजल्ट है, ये आएगा मेरे पास बी नेट.
तो दिस इज द क्वेश्चन। अगर इसको सोल्व भी करते हैं तो हमारे पास क्या देगा 0.36 यूटी, यानी कि यूटी हमारे पास क्या था, इसकी पार माइक्रो ही क्या था हमारे पास, तो इसकी वैल्यू होती है 10^-6। तो हमारे पास क्या देगा 0.36 × 10^-6 टेस्ला हमारे पास क्या देगा नेट। अगर वैल्यू कुछ, क्योंकि आई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, और न्यू नोट डिवाइड बाय में 4π की वैल्यू क्या आती है 10^-7। तो दिस इज द क्वेश्चन।